वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज आपको मैं एक नया जानकारी देने वाला हूं, जो है फ्रेंड्स DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट जो एग्जामिनेशन बोर्ड है उसके द्वारा जो एग्जाम्स लिया जाएगा, जिसमें आप देखेंगे JEE इलेक्ट्रिकल। तो फ्रेंड्स, हम मेडिकल फील्ड में चलते हैं, मेडिकल से रिलेटेड जो पोस्ट आने वाले हैं वो कब आएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ स्टाफ नर्स, NM एंड नर्सिंग ऑफिसर, ये सभी का जो एडवर्टाइजमेंट है वह 1 फरवरी से 5 फरवरी के अंतर्गत आएगा, और इसका जो एग्ज़ाम होगा 1 मई से लेकर 31 मई के बीच में होगा, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स, आप सभी तैयारी पे जुट जाइए। इसके बाद है लैब टेक्नीशियन Grade 3, लैब टेक्नीशियन Grade 4, लैब टेक्नीशियन Class 10 प्लस MLT। इन लोगों के लिए जो वैकेंसी आने वाली है उसकी जो टाइमिंग बताया गया है वह 1 मार्च से 10 मार्च के बीच में होगा, और इसका जो एग्जाम होगा वह 1 मई से 31 मई के बीच में होगा। वहीं लैब टेक्नीशियन Class 10 के लिए भी सेम वही फीचर्स या वही टाइम दिया गया है। इसके बाद फार्मासिस्ट, इसका भी सेम जो दिया गया है लैब टेक्नीशियन का वही है, फार्मासिस्ट डिस्पेंसर Class 10, फार्मासिस्ट एलोपैथी, इनका भी 1 मार्च से 10 मार्च और एग्जाम का डेट सेम दिया हुआ है। इसके बाद स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, इन सभी का भी आना है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ जो हमारे मेडिकल फील्ड्स का और भी जो होगा उसमें हम देखेंगे, जो आता है फ्रेंड्स एक, चलिए अब देख लेते हैं, और भी असिस्टेंट टीचर्स, यहाँ हेल्प सैनिटरी इंस्पेक्टर, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी देखेंगे फ्रेंड्स इसमें पोस्ट दिया है या नहीं दिया है, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी आना चाहिए। ये देख सकते हैं असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, इसका 1 जून से लेके 10 जून के मध्य में इसका एडवर्टाइजमेंट इशूज करने का टाइमिंग है, और इसके साथ जो एग्जाम होगा वह 1-8 से 31-8, 1 अगस्त से 31 अगस्त के मध्य होना है। तो इतने सारे जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से वैकेंसीज आने वाले हैं, तो दिल्ली सब ऑर्डिनेट, तो इसका आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे फॉर्म भरना है, जैसे ही आएंगे वो मैं बताऊंगा आपको। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के मध्य से जो 28/12/2021 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप सब तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और भविष्य में आप इसका ध्यान रखें। अगर आप जॉब नहीं करते हैं, आपको जॉब की आवश्यकता है, तो बिल्कुल आप अपना ध्यान रखें। DSSB.dll.gov को डेली से ओपन करते रहें और इसका नोटिफिकेशन देखते रहें। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसी में भी काफ़ी सारे पोस्ट आने वाले हैं, तो इसको भी आप हमेशा ओपन करते रहें ताकि आपको नॉलेज पे रहे। इसी में अभी 15 जनवरी से हाल में ही काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स आने वाले हैं, जो 10, 12 एंड कॉलेज पास हैं उन लोगों के लिए, तो यहाँ रिक्वायरमेंट्स के लिए आप देखेंगे दिया हुआ है रिक्वायरमेंट्स पोर्टल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे इसिक में MTS, MTS का बहुत सारे पोस्ट आने वाले हैं, सभी राज्यों का अलग अलग है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो आया हुआ है, काफ़ी का नोटिफिकेशन पहले निकल चुका है, अभी आंध्र प्रदेश का एक आया है फ्रेंड्स हाल में ही, तो मैं इसको आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस पेज पे ये देखा ये वाली है, तो चलिए इसको भी दिखा देता हूँ आपको। इसमें जो 10th, 12th और जो कॉलेज पास हैं या जो डिप्लोमा या डिग्री किए हुए हैं उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है, और इनका जो एग्ज़ाम्स का डेट वो सभी फिक्स हो चुका है, और इसमें जो फॉर्म भरने का डेट है फ्रेंड्स वो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं फॉर्म्स। तो फॉर्म में जो पोस्ट है UDC, स्टेनो एंड MTS। तो UDC के लिए आपको चाहिए जो आपका क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन की ओर आते हैं, तो सबसे पहले जो UDC का क्वालिफिकेशन चाहिए वो है डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंस एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद जो स्टेनो है उसके लिए, स्टेनो के लिए आप पता ही है 12th पास होना चाहिए, और स्टेनो के लिए स्टेनो में टेस्ट नॉर्म्स लिया जाएगा 10 मिनट्स का, 80 कीवर्ड्स का, और MTS का जो होता है मैट्रिकुलेशन या इससे समतुल्य जो भी परीक्षा होंगे उनको आप इसमें दे सकते हैं। तो इसमें जो पोस्ट आता है वह इस तरीके से MTS, स्टेनो, UDC में आया हुआ है, इस तरीके से सभी स्टेट्स में आए हैं, और इसको आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे वह ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वह 15
जनवरी से लेके 15 फरवरी तक है इसका स्टार्टिंग, और जो लास्ट डेट यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स अप टू 15 फरवरी 2022। और इसके बारे में डिटेल में भी एक मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी कर रखा है फ्रेंड्स। इसमें जो आपको फीस देना है वह 250 रुपये SC ST PWD एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए है, एंड फीमेल कैंडिडेट्स एंड एक्स सर्विसमैन के लिए, एंड जो अदर है उन लोग के लिए 500। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव गुड डे, जय हिंद।